जो लोग ट्रैक इंजीनियरिंग को पहले से फॉलो कर रहे हैं, पीछे के कई सारे वीडियो हैं, 3-4 वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। इसके पहले वाला वीडियो तो जरूर देखिएगा, मैं लिंक भी डाल देता हूँ, ताकि आपको जो भी इस वीडियो में जो भी मैं सिखाने वाला हूँ, जो भी बताने वाला हूँ, वो उसके जो बैकग्राउंड है वो आपके क्लियर हो सके। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक अच्छे रेल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब वो तो थ्योरेटिकल बातें थी, अब हम प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं कि उन सब चीजों को समझने के बाद हमने कैसी कैसी रेलें डेवलप की। तो सबसे पहला जो आइडिया था रेल का, और ये काफी दिनों तक चलाया भी गया, वो था डबल हेडेड रेल। तो इसमें क्या था कि इस तरह का ये सेप होता था। डबल हेडेड का मतलब ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ से सिमेट्रिकल होता था इस तरह का। ये जो था, ये जैसा ये इसका हेड है वैसा ही बॉटम है, तो इसको डबल हेडेड रेल बोलते हैं। अब इसको बनाने का क्या कॉन्सेप्ट था? सबसे पहले तो हमने जो प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट जो है, हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, ठीक है। ये डेवलप करने का कॉन्सेप्ट ये था कि हम एक बार इसको रेल को ऐसे फिक्स करेंगे और व्हील जो है इसके ऊपर चलेगा, जब ऊपर वेयरिंग टेयरिंग हो जाएगी तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे और इस वाले सरफेस को ऊपर कर देंगे, तो हमारे रेल की लाइफ डबल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट पे ये डबल हेडेड रेल बनाया गया और इसको कई सालों तक चलाया भी गया। लेकिन बाद में फर्दर ये देखा गया कि जब भी रेल ऊपर भी अगर व्हील चलता है तो नीचे भी सरफेस खराब हो जाता है, नीचे भी सरफेस प्लेन नहीं रहता है, इसको उल्टा करके भी हम बहुत ज्यादा दिन तक रन नहीं करा पा रहे थे। तो फिर ये महसूस हुआ कि ये रेल भी इतना कारगर नहीं है, तो फिर एक बुल हेड रेल डेवलप किया गया, जिसमें इसका हेड बड़ा होता था और जो बॉटम होता था वो छोटा होता था। करीब करीब ऐसा ये होता था, इसको बाद में लाया गया बुल हेड। इसमें जो हेड है, क्योंकि वेयरिंग टेयरिंग ज्यादा कहां होती है, हेड में होती है, इसी के ऊपर व्हील को चलना है तो ये वेयरिंग टेयरिंग उधर, तो व्हील को हैवी बना दिया गया, बुल हेडेड रेल इसको कहा गया, जिसमें इसका हेड बहुत हैवी था, बल्कि था, और जो बॉटम था वो थोड़ा कम मास था, उसमें कम वेट था। ये जो रेल्स थे काफी अच्छा बिहेव कर रहे थे, काफी परफॉर्म करते थे, लेकिन ये एक्सपेंसिव थे। एक्सपेंसिव का मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट लेंथ जो वेट था वो काफी ज्यादा था और महंगे पड़ रहे थे। उसके बाद करीब करीब आप मान के चलो कि 80-85 साल पहले हम एक रेल जो इंट्रोड्यूस हुआ वो फ्लैट रेल जो था वो इस तरह का था। ये है फ्लैट फुट रेल, और जब ये रेल इंट्रोड्यूस हुआ तो ये कमाल का परफॉर्मेंस देता था। इस रेल का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था और इसी वजह से ये रेल्स जो है आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड यही रेल इस्तेमाल हो रहे हैं। जब ये डेवलप हुआ था उस समय ये हल्का था, पर यूनिट जो रनिंग मीटर जो वेट था वो कम था, क्योंकि उस समय ट्रैफिक लोड या ट्रेन का जो व्हील लोड था वो कम था। धीरे धीरे रेलवे में डेवलपमेंट हुई, व्हील लोड भी बढ़ गए, तो इसी के हिसाब से रेल भी जो है इनके भी वेट में इजाफा हुआ। बाद में हाई स्पीड रेल का भी इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसमें भी रेल जो है हैवी रेल जो है, लेकिन शेप फ्लैट फुट ही रहा, लेकिन इसका वेट पर मीटर बढ़ाया गया और ये देखा गया कि ये जो है ना हैवी हाई स्पीड रेल में भी ज्योमेट्री को बेटर मेंटेन करके रखते हैं। तो ये जो थी रेलवे के डेवलपमेंट की कहानी, एक तो हमारे पास थ्योरी था, थ्योरी में बताया गया था कि रेल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पुराना वीडियो देखिए। उसके बाद क्या हुआ कि हमने प्रैक्टिकल करके देखा, पहले हम लेके आए डबल हेडेड, आइडिया था कि उलट पलट के यूज करेंगे, बट कारगर साबित नहीं हुआ। उसके बाद हम बुल हेड लेके आए, वेयरिंग टेयरिंग में मास ज्यादा डाल दिया, नीचे मास कम डाला, तो ये रेल भी ठीक था लेकिन ये महंगा था। तो फिर हमने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लाया, फ्लैट फुट रेल। इसमें क्या है, ये बहुत अच्छे से स्टेबल रहता है, बढ़िया से फिक्स हो जाता है,
इसमें जो एंकरिंग करनी पड़ती है, जो एंकर लगाते हैं वो कम लगाने पड़ते हैं। लैटरल स्टेबिलिटी इसमें बहुत अच्छा है वर्टिकल के साथ साथ, तो बहुत सारी मतलब ये सुपीरियर क्वालिटी का परफॉर्मेंस है, इसीलिए आज के डेट में वर्ल्ड वाइड इसी रेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बस रेल के बारे में बताना था। आगे के वीडियो में हम लोग रेल के सेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे, सेक्शन के एक एक प्रॉपर्टीज को समझेंगे और हम लोग उसके आगे फिर ट्रैक इंजीनियरिंग में प्रोसीड करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।